नमस्कार, मैं हूं संपदा और हमारे विशेष कार्यक्रम करियर विजन में आप सभी का स्वागत है। और इस कार्यक्रम में हम हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बात करते हैं, क्योंकि हर पेरेंट का एक अपना डेफिनेशन होता है कि अपने बच्चे का करियर कैसा हो, साथ ही उस बच्चे का भी एक अलग ही डेफिनेशन होता है कि उसे किस फील्ड में जाना है और किस मुकाम तक पहुंचना है। इन दोनों चीज़ों का मेल मिलाप कर बनता है एक बच्चे का करियर। और इसीलिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हमने इनवाइट किया है विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के एक्सपर्ट्स को और उनसे जानते हैं करियर आफ्टर ट्वेल्थ के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि करियर आफ्टर ट्वेल्थ ये एक बहुत बड़ी समस्या तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है हर बच्चे के लिए, उसका करियर एक अच्छे ट्रैक पर ले जाना। और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत टेंशन वाली बात होती है हर घर में जब बच्चा ट्वेल्थ में होता है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि करियर आफ्टर ट्वेल्थ जो है वो साइंस अगर स्ट्रीम है तो उन बच्चों के लिए क्या ऑप्शंस होते हैं ट्वेल्थ के बाद, वो किन अलग अलग फील्ड्स में जाकर अपना करियर बना सकते हैं। ट्वेल्थ साइंस के बाद टेक्निकल स्ट्रीम में हमें जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है उनमें से एक ऐसी एक लाइन है जो बहुत पॉपुलर कुछ दिनों पहले थी, जो है बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग बी एंड बी टेक, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ये दोनों जो डिग्रीज है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की डिग्रीज है और कुछ सालों पहले तक इन डिग्रीज को बहुत सारा ग्लैमर था। एडवांटेज की अगर बात करें तो ये थ्योरेटिकल बेस्ड एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे अपने आप में एक वेटेज है, एक ग्लैमर है। और अगर हम थोड़ी सी और अगर टेक्निकलिटी की अगर बात करें, कुछ और क्लेरिफिकेशन अगर इसके बारे में अगर हम जाने, तो यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम जो है वो देना बहुत जरूरी होता है। एंट्रेंस एग्जाम के परसेंटेज और आपके जो 12th स्टैंडर्ड के परसेंटेज है इनको कंबाइन करके आपके एडमिशन प्रोसेस जो होती है। एडवांटेज ये है कि इसमें बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम्स आपको अवेलेबल है, लेकिन वही चीज डिसएडवांटेज में जाती है क्योंकि आपके जो परसेंटेज है वो तय करते हैं कि आपको कौन से स्ट्रीम में एडमिशन मिलेगी या आप कौन से स्ट्रीम में जा सकते हैं। मतलब वो अपने ऊपर निर्भर नहीं होता है, मतलब मुझे फलाने कॉलेज में फलाने स्ट्रीम में जाना है, नहीं। आपके परसेंटेज सीईटी में कितने आते हैं और आपके ट्वेल्थ में परसेंटेज कितने हैं ये डिसाइड करेगी आपको वो पर्टिकुलर साइड मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसी के साथ साथ यहाँ पे थ्योरेटिकल कंटेंट ज्यादा होने की वजह से नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है और आपको हेवीली वहां पे बुकिश स्टडी जो है वो आपको करनी पड़ती है। प्रैक्टिकल कंटेंट काफी कम होता है और वो इन हाउस वर्कशॉप में ही सिखाया जाता है, जिसकी वजह से इन स्ट्रीम से बाहर निकलने वाले स्टूडेंट्स को थोड़े से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं जॉब सीकिंग के लिए, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री के जो नीड्स है वो कुछ अलग है और यहाँ पे जो कोर्स चल रहा है वो कुछ अलग है। दूसरी जो एक पॉपुलर स्ट्रीम है दैट इज बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चरल ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जो जिसे बीआर कहा जाता है और यहाँ पे भी इनकी एक अलग अपनी एंट्रेंस एग्जाम होती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रैक्टिकल कंटेंट जो है वो बी या बीटेक के मुकाबले में ज्यादा है, लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि यहाँ पे अगर आपका आपको आर्ट एंड क्राफ्ट का अगर नजरिया आप में नहीं है तो आप इसमें ज्यादा बेहतर करियर जो है बना नहीं सकते। तो आपको थोड़ा सा ये आर्ट एंड क्राफ्ट का एक नजरिया बैकग्राउंड होना यहाँ पे बहुत जरूरी होता है। तो अगर वो आप में है, वो एंगल अगर आपके पास है, तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन अगेन एक और चैलेंज इस डिग्री में है कि यहाँ पे भी थ्योरेटिकल कंटेंट की तरफ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया गया है, ट्रेडिशनल उनका जो भी सिलेबस चल रहा है, तो जो लेटेस्ट कंटेंट है उसके बारे में आपको अपडेट रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसमें। और इसी तरह से ये जो डिग्री है ये भी एक अलग ग्लैमर अपने आप में रहती है। और तीसरी जो साइड है वो है बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। यहाँ पे बीएससी में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ऐसे कुछ जो सब्जेक्ट्स है इनको लेके स्पेशलाइजेशन करने का मौका यहाँ पे मिलता है। एडवांटेज ये है कि यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, बीएससी के लिए आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं 12th साइंस के बाद। थ्योरी कंटेंट 100% थ्योरेटिकल कंटेंट इसमें होते हैं, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट जो है वो डिसाइड होते हैं, उनके ग्रुप्स जो है वो डिसाइड होते हैं। लेकिन इसमें आगे रिसर्च वगैरह ऐसी चीजें अगर करनी है तो मास्टर्स और पीएचडी की तरफ आपको जाना पड़ सकता है। सिर्फ आप इस ग्रेजुएशन को लेके किसी भी तरह का कोई अच्छा जॉब जो है वो आप परस्यू नहीं कर सकते हैं,
डिसएडवांटेज यहीं से शुरू होते हैं कि आपको इस रेगुलर ट्रेडिशनल डिग्री के साथ कुछ और प्रोफेशनल कोर्सेज जो है वो एड ऑन आपको करने जरूरी पड़ जाते हैं, क्योंकि इस प्लेन ग्रेजुएशन के बाद जॉब जो है वो इमीडिएटली आपको अवेलेबल नहीं हो सकता है। इन सब रेगुलर एंड ट्रेडिशनल कोर्सेज के अलावा एक नया कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुका है, एंड दैट इज बीवो, बैचलर्स ऑफ वोकेशनल। ये एक ऐसा डिग्री प्रोग्राम है जो सीधा इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें भी अलग अलग स्ट्रीम्स है, लेकिन हर स्ट्रीम मतलब एक इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे 12th साइंस के बाद विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम आप जो भी स्ट्रीम्स आपको पसंद है उसमें किसी भी स्ट्रीम में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें किसी भी तरह के परसेंटेज का भी बैरियर नहीं है, और वो सीधा इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ होने की वजह से वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। 3 साल का ये डिग्री प्रोग्राम जो है, जिनमें से सिर्फ केवल 1 साल आपको इन हाउस यानी उस कॉलेज में आपको पढ़ना है, और आगे के जो 2 साल है वो आप उस इंडस्ट्री में, रिलेटेड इंडस्ट्री में काम करते हुए अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखते हैं। तो जैसे बी है, बीटेक है, या फिर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चरल है, या बीएससी है, इन सारे स्ट्रीम्स के अलावा एक बीवो भी एक ऑप्शन है जिसके बारे में आप जरूर सोच सकते हैं। सर, ये बात थी करियर साइंस फील्ड में अगर जिनको करना है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको अगर कॉमर्स में अपना करियर बनाना है, कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है, तो उनके लिए 12th के बाद क्या क्या अलग अलग ऑप्शंस होते हैं? 12th कॉमर्स के बाद जो एक सबसे ज्यादा जो एक कोर्स पॉपुलर है वो है बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा पैमाने पे जाते हैं। इन दिनों में कॉमर्स के स्ट्रीम में एडमिशन लेने के लिए एक अलग बोर्ड भी लगी हुई है। इसके कट ऑफ्स वगैरह जो है वो बहुत हाई परसेंटेज पे एंड होते हुए इन दिनों में नजर आ रहे हैं। तो बीकॉम के बेनिफिट्स या उसके जो डिसएडवांटेज है उसकी अगर हम बात करें, तो बीकॉम एक पॉपुलर कोर्स है, ये इसका सबसे पहला एडवांटेज है। काफी सारे कॉलेजेस में बीकॉम के कोर्सेज चलाए जाते हैं, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी अलग अलग उसके ग्रुप्स आपको नजर आते हैं सब्जेक्ट के। थियोरेटिकल कंटेंट इसमें बहुत ज्यादा है, और अगर डिसएडवांटेज की बात अगर हम करें तो इन दिनों में जिस तरह से कट ऑफ उसमें लग रहा है, या सिर्फ बीकॉम करने के बाद अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर हम देखें तो उसका रेशियो बहुत कम है। यानी इस ट्रेडिशनल कोर्स के साथ आपको कुछ और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स करने बहुत जरूरी है, तभी आप इसमें अच्छा करियर बना सकते हैं। ये डिसएडवांटेज आपको इसमें मिल जाएगा। दूसरा एक पॉपुलर कोर्स जो है आफ्टर कॉमर्स, 12th कॉमर्स, वो है बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक प्रोफेशनल कोर्स होने की वजह से इसके एडवांटेजेस जो है वो ये है कि आपको जॉब सीकिंग के लिए जो है वो थोड़ा सा आपको आसान इसमें हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप प्रैक्टिकल वर्क करने लगते हैं तो पता ये चलता है कि बीबीए का जो कंटेंट है वो थ्योरेटिकल कंटेंट है। इसमें एक्चुअली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको उतना मिल नहीं सकता है, या मिल नहीं पाता है, जिस हद तक आपको नॉलेज होना चाहिए उतना परस्यू नहीं कर पाते हैं। तो यही एक चैलेंज बीबीए के इस कोर्स में आपको नजर आएगा। इसके अलावा एक है बीएचएम, दैट इज बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। जी हाँ, यहाँ पे कुछ जगह पे एंट्रेंस एग्जाम जो है वो इन दिनों में दिखाई दे रही है होटल मैनेजमेंट के लिए। कुछ ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज ने जब ये कोर्स स्टार्ट किया है तो उन्होंने विद एंट्रेंस एग्जाम इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अदर जो डिग्री प्रोग्राम्स है उनके मुकाबले में यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस जो है वो दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो प्रैक्टिकल कंटेंट जो है वो इस कोर्स के एंड में इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन शुरुआती जो साल है उसमें आपको थ्योरेटिकल कंटेंट सबसे ज्यादा जो है उसमें नजर आता है। तो इस तरह से ये बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट जो है वो अगर आप ट्रेडिशनल प्रोसेस से अगर करते हैं तो अगेन वो एक थ्योरेटिकल साइड पे ही जाता हुआ नजर आता है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उसका लैकिंग आगे फ्यूचर में आपको नजर आ सकता है। इन सब के साथ साथ एक और कोर्स बहुत पॉपुलर है, दैट इज बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कॉमर्स के जो स्टूडेंट है उनमें ये कोर्स ज्यादा पॉपुलर इन दिनों में नजर आ रहा है होता हुआ। कंप्यूटर एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो जब कंप्यूटर्स लॉन्च हुए थे वहां से लेके आज तक अगर हम बात करें तो कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी से लेकर, मतलब उस सब्जेक्ट को लेकर इंजीनियरिंग से लेके लिटरली कॉमर्स या आर्ट्स या सभी साइड में ये जो फील्ड है ये वर्कआउट करता है। तो बुरी बात नहीं है कंप्यूटर एप्लीकेशन लेना, फ्यूचरिस्टिक है तो आप उसमें जरूर जा सकते हैं, लेकिन चैलेंजेस जो है जो डिसएडवांटेज में जाके टर्न हो जाता है आगे फ्यूचर में वो ये है कि कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल है और वो हर स्ट्रीम में अवेलेबल है।
जब कोई वैकेंसी जब निकलती है तो सामने वाली इंडस्ट्री जो है वो इस बात को चेकआउट कर लेती है कि हमें लीस्ट पेमेंट पे मैक्सिमम आउटपुट देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर मिल जाए तो यहाँ पे जॉब सीकिंग के लिए कॉम्पिटिशन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जॉब सीकिंग के लिए जो कॉम्पिटिशन है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसीलिए फिर ये जो कोर्स है वो एंड में जाके चैलेंजिंग हो जाता है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बेसिकली सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए कॉमर्स साइड में जाते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ा और बेहतरीन प्रोग्राम है। सीए का जो एक रुतबा होता है या उसकी जो एक पोजीशन होती है वो आउट एंड आउट एक्सलेंट होती है। यहाँ पे उसके लिए आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ये एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो एक कोर्स है तो उसकी वजह से आपको इंटर्नशिप वगैरह करने का वहाँ पे उस कोर्स के उसके जो कंटेंट है उसका जो फ्लो है उसमें आपको आर्टिकलशिप जो है एक सीए के अंदर वो आपको करनी पड़ती है। ये एक बेहतरीन प्रोग्राम है और इसकी शुरुआत जो है वो कॉमर्स का जो आपका रेगुलर एजुकेशन है 11, 12, FYSY, TY इन दिनों में ही आपको ये पढ़ाई जो है वो करनी पड़ती है। बेनिफिट की बात करें तो ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ी डिग्री है और इसमें जो आगे अपॉर्चुनिटीज है वो भी आउट एंड आउट बेस्ट है। तो अपने आप में ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स होने की वजह से अगर आप सीए करना चाहते हैं, लेकिन मेहनत बहुत है इसमें और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही टफ होता है तो आपको अपने आप को तैयार करना बहुत ही जरूरी होता है। इन सब के अलावा एक और नया कोर्स जो 12th कॉमर्स के स्टूडेंट जिसको ज्वाइन कर सकते हैं और जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है या डायरेक्ट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है वो कोर्स है बीवो, बैचलर्स ऑफ वोकेशनल। जी हाँ, बीवो के 3 साल के डिग्री प्रोग्राम में 12th कॉमर्स से जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं वो डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं बिना किसी परसेंटेज बैरियर के। इसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज ही उसके ट्रेड्स हैं। इस वक्त 40 से ज्यादा अलग अलग इंडस्ट्री जो है वो बीवोक में वर्कआउट कर रहे हैं और इसका जो सर्टिफिकेशन है वो सर्टिफिकेशन यूनिवर्सिटी के थ्रू होता है जो यूजीसी अप्रूव्ड है। सो इट्स ऑल एंड ऑल एक्चुअल ग्रेजुएशन काइंड ऑफ प्रोग्राम जिसमें 1 साल जो है वो आपका इन हाउस होता है यानी कॉलेज में और आगे के जो 2 साल है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपको काम करते हुए इसे पूरा करना पड़ता है। और कॉमर्स बैकग्राउंड के बाद भी आप चाहे जिस भी इंडस्ट्री में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, मतलब फिर वो चाहे ऑटोमोबाइल होने दीजिए, चाहे एग्रीकल्चरल होने दीजिए या चाहे आप हेल्थ केयर होने दीजिए, मतलब बाय ऑल मीन आपको जिस पर्टिकुलर करियर में इंटरेस्ट है उसमें से किसी भी करियर में आप एडमिशन ले सकते हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई भी बैरियर नहीं है। तो जब ये बाकी सारे स्ट्रीम आप सिलेक्ट कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं तो साथ में वीवो के बारे में भी जरूर सोचिए। सो थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे 12th के बाद जो करियर बनाना है अभी उन बच्चों के लिए आपने दी है, उनके पेरेंट्स के लिए भी एक काफ़ी रिलैक्सेशन रहा है आपका ये गाइडेंस। थैंक यू सो मच।